कई दिनों से उमस और गर्मी झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज धूप और उमस के बाद मौसमी बदलाव के बीच में दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया। चक्रवाती हवाओं के असर से दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का दौर चला। इसी के साथ ही नोएडा के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश का अनुमान जताया था। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से यहां राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से लोग बेहाल थे। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा इसकी संभावना पहले ही जारी की गई थी। हल्की बारिश का जो अलर्ट था वो राजस्थान में भी जारी किया गया है और उसी का बदलाव आज राजधानी जयपुर में भी मौसम के रूप में देखने को मिला। फिलहाल आपको दिल्ली से तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अब यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर चला, साथ ही में नोएडा के कुछ इलाकों में यहाँ ओले भी गिरे। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। भूकंप तो नहीं आ रहा है? एक मिनट सीधे खड़ो। मौसमी बदलाव के कारण मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट दिया हुआ था। राजस्थान में भी इस चीज का अलर्ट जारी है। नोएडा के कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत हुई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ में। प्रीत, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी और उमस थी दिल्ली झेल रही थी उससे कुछ राहत मिली, झमाझम बारिश का यहां पर दौर चला, साथ ही में ओले भी गिरे नोएडा के कुछ इलाकों में, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? नोएडा के कुछ इलाकों में सेंट्रल दिल्ली में बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है एक से दो दिन और जो टेम्परेचर डाउन हुआ है करीबन 7 से 8 डिग्री का अंतर आ गया है। ऐसे में दो दिन तक दिल्ली में इसी तरीके का टेम्परेचर रहेगा। रात में भी बारिश का अनुमान जताया गया, तो कहीं ना कहीं काफी राहत मिली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, नोएडा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को और साथ में एनसीआर में गाजियाबाद के लोगों को काफी राहत मिली है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पारा चढ़ा हुआ था 45-48 डिग्री जो टेम्परेचर दिल्ली का जा रहा था उसमें गिरावट आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रीत। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में आज झमाझम बारिश हुई। नोएडा के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश के बाद में लोगों को गर्मी और उमस से यहां पर राहत मिली। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे दुनिया भर में दहशत फैला रही